डेकेड की शुरुआत में करीब 90 करोड़ की आबादी वाले देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नाम पर महज 110 करोड़ यूएस डॉलर्स बचे थे और 1991 में सिर्फ दो हफ्तों तक आयात जारी रखने के लिए रकम बची थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ था। हम बहुत ही बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन में थे। फिर 1991 में हमने तय किया कि उस सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव लाना जरूरी है। और उसके बाद जो हुआ उससे पूरी दुनिया भारत पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो गई। भारत ने कई दशकों से चले आ रहे नेहरूवियन सोशलिस्ट ऑर्डर को छोड़कर ओपन इकोनॉमी को अपना लिया। इसने इंडस्ट्री को एक नई सोच दी और लोगों का नजरिया बदला और एक नए किस्म का जोश इस कंट्री में दिखाई दिया और लोग ये कहने लगे कि नई चीजों को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे याद है एक सीनियर एडिटर मेरे पास आए और बातों ही बातों में उन्होंने कहा, पता है मेरा बेटा जिसकी अभी नौकरी लगी है वो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा रहा है। एक ऐसे समय पर जहां एक नौजवान भारत अपने पैर जमा कर उड़ान भरने को तैयार हो रहा था, एक युवा किसी के बुरे मंसूबों और साजिश का निशाना बनने वाला था। I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. हर कोई सदमे में था, गुस्से में था, दुखी था। मेरे लिए तो ये बात बहुत ही दुख पहुंचाने वाली थी क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते थे और मैं उन्हें। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझते हुए राजीव गांधी और कांग्रेस 1989 के जनरल इलेक्शंस हार चुके थे। राजनीति में अस्थिरता अपने चरम पर थी। देश 1991 में फिर से चुनाव की ओर जा रहा था और राजीव गांधी के पास एक बार फिर बागडोर संभालने का मौका था। जनता का दिल जीतने के लिए उन्होंने उनसे मिलना जुलना पहले से ज्यादा कर दिया। May 21, 1991, रात के करीब 10:10 हुए थे। तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर इलाके में अपना भाषण देने के लिए राजीव गांधी पहले से ही लेट थे, लेकिन उस दिन श्री पेरम्बुदूर में जो लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे वो सिर्फ स्थानीय लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। उनके हत्यारे पहले से ही अपनी जगह पर तैनात थे। हत्यारों का वो गैंग पेरिस कॉर्नर के बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ। हरी बाबू का काम था फोटोग्राफ लेना उस पूरे सीक्वेंस का। LTTE हमेशा ऐसा ही करता था, ये उसका पुराना मेथड था, वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करते थे। अनोखी बात ये है कि इसी फोटोग्राफर द्वारा खींची गई तस्वीरों ने ही पुलिस को कातिल को पहचानने में मदद की। थिनमोली राजा रत्नम, जिसे धानु भी कहा जाता था, एक लड़की थी कोकिला जो हिंदी में पोयम सुना रही थी और राजीव गांधी इस बात से खुश हो रहे थे कि कोई तमिलियन इलाके में हिंदी में कविता सुना रहा है। उसी समय धानु उनके सामने हाथों में फूलों की माला लेकर आई। वो सामने आकर रुकी और उसके पास एक छोटा सा बटन था, वो कुछ टॉगल जैसा था। उसने वो टॉगल दबाया और धमाका हो गया। बड़ा ही जोशीला इलेक्शन कैंपेन, भारत के सबसे बड़े सियासी परिवार के नौजवान करता धरता और एक भयानक हत्या। जांच पड़ताल से एक और शर्मनाक कहानी सामने आई। राजीव गांधी की जान नहीं जाती। अगर उस समय इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल पुलिस ज्यादा चौकन्ने होते तो 1991 में तमिलनाडु के गांवों में लेडीज सलवार कमीज ज्यादा नहीं पहनती थीं। पुलिस को इसी बात से अलर्ट हो जाना चाहिए था। एक तरह से पूरी छूट थी इस पूरे मामले में। इससे पहले वीपी सिंह भी जब चेन्नई गए थे तब भी ये लोग वीपी सिंह के बहुत करीब पहुंच गए थे और उन्हें भी उसी तरह से माला पहनाई गई, लेकिन इस बार तो धानु ने राजीव गांधी की जान ले ली। LTTE ने राजीव गांधी को कभी माफी नहीं किया इंडियन आर्मी को वहां भेजने के लिए, जिससे
बाद में ना चाहते हुए भी एलटीटीई से ही लड़ना पड़ा। 1987 में श्रीलंका की सरकार के साथ मिलकर एलटीटीई से जंग लड़ने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजने के राजीव गांधी के फैसले की एलटीटीई ने सख्त खिलाफत की। राजीव गांधी की पार्टी 1989 में चुनाव हार गई और 1990 में सेना को वहां से हटाया गया। 1991 के चुनावों में राजीव गांधी के जीतने की उम्मीदों को देखते हुए एलटीटीई को डर था कि आईपीकेएफ को दोबारा श्रीलंका भेजा जाएगा, इसलिए एलटीटीई ने फसाद की जड़ को मिटाने का फैसला किया। तो 1987 में प्रभाकरन एलटीटीई का सुप्रीमो वो भारत आया और उस दौरान उसकी राजीव गांधी और कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई। वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के सख्त खिलाफ था। दिल्ली में ही हमें खबर मिली थी कि उसके साथ जो बर्ताव हुआ वो उससे खुश नहीं था और उसने फैसला किया राजीव गांधी को मारने का। गांधी परिवार के सदस्य की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा देश गहरे सदमे में था। पूरा इंसिडेंट डिप्रेसिंग तो था ही, साथ ही ये भी लग रहा था कि अगर राजीव गांधी जैसे इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, और यही तो टेररिज्म का मकसद है, सभी को इनसिक्योरिटी का एहसास कराना। एक युवा दूरदर्शी का सपना तो अधूरा रह गया, पर 90s बड़े सपने देखने वाले एक युवक की उड़ान के लिए सही था। और उनके बड़े सपनों का उनकी छोटी उम्र से कोई लेना देना नहीं था। I was in love with Sachin Tendulkar. और मेरा दिल टूट गया जब मुझे पता चला कि वो मैरिड है। सचिन तेंदुलकर मेरे लिए हमेशा 9 साल के वो लड़के रहेंगे जो अपने भाई के साथ हमारे क्लब मैचेस में आकर हमारे साथ खेलते थे। और उनके भाई की बात करें तो उनके भाई टेक्निकली करेक्ट थे, लेकिन बॉल को स्क्वायर के पार मार नहीं पाते थे, तो 2 घंटे में बनते थे 5 रन। और ये छोटा सा लड़का जो चाहे वो करता था, बॉल को इतनी जोर से मारता था कि आजाद मैदान के टेंट में हमारी कुर्सियां हिल जाती थी। नो ट्रैफिक, नथिंग। जिनके पास टीवी नहीं होता था वो उन दुकानों के बाहर खड़े हो जाते थे जहां टीवी होता था। मेरे ख्याल से सचिन के शुरुआती दिनों में जो कोई भी उन्हें जानता था वो उनकी पावर से जरूर चौंक गया होगा। अगस्त 1990 में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट सेंचुरी से लेकर ऑस्ट्रेलिया में अनबीटन 114 रनों तक, और फिर मिड 90s में वो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन बन गए। सचिन अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे। मैं कभी भूल नहीं सकती द डेजर्ट स्टॉर्म, वो शारजा का मैच जब पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगा। मेरे लिए तो वो उनका सबसे आइकॉनिक मोमेंट था। मास्टर ब्लास्टर ने न सिर्फ इंडियन क्रिकेट का चेहरा बदल कर रख दिया, बल्कि उनकी कामयाबी की दास्तान भारत के उन करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई जो अभी बस सपने देखना सीख रहे थे। सचिन भारत की शान बन चुके थे। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे याद नहीं आता कि 14 साल की उम्र में किसी भी खिलाड़ी की उस कदर तारीफ हुई हो जिस कदर सचिन तेंदुलकर की हुआ करती थी। पर कई लोगों का मानना है कि इस लेजेंड को एक बड़ा फायदा मिला, और वो है वो शानदार दौर जिसमें वो खेल रहे थे। 90s में सैटेलाइट टेलीविजन की भी भारत में शुरुआत हुई, और तेंदुलकर को इंडियन टेलीविजन का पहला सैटेलाइट स्पोर्ट्स हीरो कहा जा सकता है। गावस्कर ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के हीरो थे, कपिल देव 80s में छाए हुए थे, वो ट्रांजिशन पीरियड था कलर टेलीविजन की ओर। पर सैटेलाइट टेलीविजन, सचिन तेंदुलकर सैटेलाइट टेलीविजन के पहले आइकन है। उनका अचीवमेंट सिर्फ उनका ही है, पर मुझे लगता है कि वो अचीवमेंट पूरी दुनिया के सामने लाया गया क्योंकि अचानक इंडिया एक मार्केट बन चुका था। जैसे ही मार्केट्स खुले, खूब सारे प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत को आजमाने और परखने के लिए आए, और दोनों ही उन नए हीरोज की तलाश में थे जो लोगों में दिलचस्पी जगाकर कारोबार बढ़ाएं। और तेंदुलकर
परफेक्ट पैकेज थे। सचिन जैसे इंसान ने जिस तरह का टैलेंट, जो कामयाबी हासिल की है और जिस तरह का मीडिया एक्सपोजर खासकर टेलीविजन ने उनको दिया, दे बिकेम लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर देन लाइफ। वो चाहे फील्ड पर हो या उसके बाहर, पूरा देश एकजुट होकर सचिन का गुणगान कर रहा था। लेकिन उसी डेकेड में कहीं और एक बड़े पैमाने का झगड़ा फसाद अपने चरम पर पहुंच रहा था। कश्मीर एक रोमांटिक सॉन्ग लोकेशन से बदलकर मतभेदों और राजनीति का केंद्र बनने जा रहा था। '90s में भारत अपनी उपलब्धियों से दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बना रहा था। साथ ही ये डकेड पहले कभी न देखी गई अफरा तफरी और तकलीफों का गवाह भी बना। मेरे जैसे आम इंसान का कश्मीर में जाने पर रोक लगाया जाना एक बहुत बड़ा झटका था। मिलिटेंट्स खुलेआम AK-47 राइफल्स लहराते हुए श्रीनगर की गलियों में घूमते नजर आए, जिसकी शुरुआत हुई थी 80s के आखिर में शुरू हुई आजादी की मांग के साथ। हालात बदतर होते गए और हिंसा की वारदातें लगभग हर रोज सुर्खियों में आने लगी। मैंने जहाँ पर अपना बचपन बिताया है वो है कश्मीर। उसे उस दर्द और उथल पुथल से गुजरता देखकर और किसी भी मजहब पर किसी भी किस्म का हमला होना, ये इंसानियत के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी असल में मिड 80s के आसपास ही बज गई थी। कश्मीरियों के आक्रोश के पहले संकेत ऐसी जगह देखे गए जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक बार एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था जो मेरे ख्याल से इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच था, और श्रीनगर में भीड़ ने सामने वाली टीम को चीयर करना शुरू किया, यानी कि वेस्ट इंडीज के लिए। और तब हमें पहला साइन मिला कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तब तक टेलीविजन लाइव हो चुका था। अलगाव के एहसास की आग धीरे धीरे सुलग कर एक जबरदस्त सेपरेटिस्ट मूवमेंट बन गई। कई लोगों का मानना है कि 1987 के चुनाव ने ये तय कर दिया कि कश्मीर किस राह चलेगा। 87 के इलेक्शंस टर्निंग पॉइंट थे। तब जो इलेक्शंस हुए उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं माना गया, उनमें से ज्यादातर इलेक्शंस में गड़बड़ी हुई। मुझे अब भी याद है, कई साल बाद मैं सैयद सलाउद्दीन से मिला। तब तक वो हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर बन चुका था। मुझे याद है उसने मुझसे कहा था कि पता है मैं श्रीनगर में PWD मिनिस्टर बन जाता अगर उस समय इलेक्शन में गड़बड़ी ना हुई होती तो। उसका एजेंट था यासिन मलिक, इलेक्शन में वो लड़ रहा था। अगर वो इलेक्शन जीत जाता तो क्या पता, शायद वो सरकार में एक मिनिस्टर होता और यासिन मलिक उसका सेक्रेटरी। और हुआ ये कि यासिन मलिक JKLF का हेड बन गया और सलाउद्दीन हेड बन गया हिजबुल मुजाहिदीन का। आने वाले डेकेड में हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट दोनों आतंकवाद का माहौल फैलाकर आजाद कश्मीर की मांग करने लगे। इससे घाटी में हमेशा के लिए सांप्रदायिक तनाव बन गया। कश्मीरी पंडित जो काफी समय से तकलीफें झेल रहे थे आखिरकार घाटी छोड़कर चले गए। ये एक बड़े पैमाने पर पलायन था। जब भी मैं कश्मीर जाता हूं तो बहुत दुखी होकर लौटता हूं। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन वहां हिंसा हमेशा के लिए है। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल बट फ्रोजन। घाटी की हर दीवार पर गोलियों से बने छेद दिखने लगे और 90s एक इमारत को गिराए जाने का गवाह भी बना, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। हिस्ट्री पर नजर डालें और उस वक्त का जायजा लें जब इस देश का पोलराइजेशन हुआ और इसके सेकुलर ढांचे को हर तरह से स्ट्रेच किया गया। असर ये हुआ कि बात बाबरी मस्जिद को गिराने तक पहुंच गई। वो 6 दिसंबर 1992 का दिन था। उत्तर भारत के कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ी।
उनके सर पर जुनून सवार था कि किसी भी हाल में उन्हें राम जन्मभूमि को दोबारा अपने कब्जे में लेना है। जब मस्जिद गिराई जा रही थी तो सरकारी तंत्र तो मानो काफी हद तक पैरालाइज ही हो गया था। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से हिंदू मेजोरिटी के एक्सट्रीम एलिमेंट्स को एक मकसद मिला, चलो अब राम मंदिर बनाते हैं। अडवाणी जी इस अपॉर्चुनिटी को भांप गए। जहां राम का जन्म हुआ था, दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों ने आवाज उठाई और नतीजे के तौर पर हुई भारी तबाही। लेकिन जो बाबरी मस्जिद को गिराने खुद वहां मौजूद थे, उनके लिए ये उस किस्से का खात्मा था जिसकी शुरुआत 90s में हुई थी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मुझे अब भी याद है रथ यात्रा का वो नारा। 25 सितंबर 1990, बीजेपी के अनुभवी नेता एल के आडवाणी अपने टोयोटा के रथ पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर से निकल पड़े। बीजेपी के एक और बड़े नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन के रथ का सुझाव देने से कार सेवकों और वॉलंटियर्स को जुटाने में कामयाबी मिल रही थी। रथ यात्रा ने सांप्रदायिकता को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इस यात्रा में जबरदस्त नारेबाजी हुई और खूब भड़कीले भाषण भी दिए गए। जो हमारे मन में है वो हमारी वाणी पर है, जो हमारी वाणी पर है वो हम कृति में उसको कागज में करते हैं। और यदि बाबा के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी तब क्या बनेगा? हालांकि बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को नजर बंद करके रैली को रोका गया, लेकिन तब तक देश भर में बीजेपी ऐसी छाप छोड़ चुकी थी कि एल के आडवाणी उस पार्टी के नए हीरो बन गए। एल के आडवाणी असल में बहुत ही वो शब्दों में यकीन रखते थे, वो बहुत बुक्स पढ़ते थे, वो वाजपेयी जी की तरह कोई ड्रामेटिक पब्लिक स्पीकर नहीं थे। लेकिन उस समय वो पार्टी में अपना बड़ा आइडिया फैला पाए जो था सेक्युलरिज्म वर्सेस सूडो सेक्युलरिज्म। वो राम जन्मभूमि आंदोलन का सहारा लेकर लगभग रातों रात एक तरह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स का चेहरा बन गए। मुझे याद है बरसों बाद मैंने आडवाणी जी से पूछा कि आपकी छवि एक हिंदू मिलिटेंट की बन गई थी, और उन्होंने पलट कर मुझसे कहा नहीं, मुझ में मिलिटेंट का कोई अंश तक नहीं है। और उनकी वाइफ मेरे साथ बैठी थी, उनसे मुस्कुरा कर उन्होंने पूछा कि क्या मैं मिलिटेंट हूँ, क्या मुझ में कोई मिलिटेंसी है। 90s में हिंदुत्व पॉलिटिक्स एक बड़ा वैकल्पिक सिद्धांत बनकर उभरा और बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, और जनरल इलेक्शंस में बीजेपी का आंकड़ा 1989 के 85 से बढ़कर 1991 में 120 तक पहुंच गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसने उस समय के दूसरे अहम राजनीतिक आंदोलनों को भी फीका साबित कर दिया, खासकर मंडल आंदोलन। 1979 में स्थापित बीपी मंडल कमीशन ने सुझाव दिया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में खास कोटा दिया जाए। वीपी सिंह की सरकार ने सारे सुझावों को 1990 में अमल करने का फैसला किया। अब ओवरऑल रिजर्व्ड कोटा बढ़कर 49.5% हो गया। नतीजा ये हुआ कि समाज के कुछ वर्गों से हिंसात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। मैंने देखा कैसे नौजवान खुद को मार रहे थे, जिंदा जला रहे थे। मंडल आंदोलन और मंदिर का आंदोलन असल में दोनों ही कुछ बरसों से पनप रहे थे। जिस तरह से दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लाने के लिए बढ़ावा दिया गया, बीजेपी ने तय किया कि उसे अडवाणी रथ यात्रा का सरकारी तौर पर साथ देना है और उसका हिस्सा भी बनना है। ये तब हुआ जब वीपी सिंह मंडल रिजर्वेशंस को संवैधानिक तौर पर लागू करने जा रहे थे, तो मंडल की राजनीति को मात देने के लिए बीजेपी की तरफ से कमंडल का हथकंडा अपनाया गया था। और फिर राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को अपनी सोच और समझ को छोड़कर अपने समुदाय के नेताओं को वोट देने के लिए बढ़ावा दिया। आखिर में उसका नतीजा ये निकला, एक्सट्रीम ओपिनियंस और एक्सट्रीम रिएक्शंस। और
वाराणसी जैसे उत्तर भारतीय शहरों से लेकर मध्य भारत में भोपाल से लेकर पश्चिम में सूरत तक देश के कोने कोने से दंगों की खबरें आ रही थी। लेकिन जिन शहरों पर सबसे गहरा असर पड़ा उनमें से एक ऐसा शहर था जिसे अपने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर पर नाज था, मुंबई। एमटीवी, पॉप म्यूजिक, सैटेलाइट टेलीविजन, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट 90s में कई नए शब्द भारतीयों की जुबान पर सुनाई देने लगे, लेकिन साथ ही सांप्रदायिकता, मंदिर और मंडल जैसे शब्दों का मतलब ही बदल गया। भारत की सेक्युलर छवि बर्बाद हो चुकी थी और पूरा देश आग की लपटों से घिर चुका था। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ देश भर में आवाजें उठने लगी, कई शहरों में दंगे फसाद की खबरें आने लगी, लेकिन इन दंगे फसादों का केंद्र बना मुंबई। किसी को पता चलने से भी पहले हसीन सपनों का यह शहर अचानक एक ऐसा डरावना सपना बन गया जिसे देखकर एक आम मुंबईकर दहल गया। हम एक्चुअली एयरपोर्ट पर फंस गए क्योंकि उन्होंने कहा इट्स बेटर कि अगर आप टेक ऑफ करके मुंबई में लैंड ना करें क्योंकि मुंबई के हालात ठीक नहीं है। दिसंबर 1992 की शाम बाबरी मस्जिद को गिराने के कई घंटों बाद लोगों का एक झुंड दक्षिण मुंबई की मीनारा मस्जिद पर इकट्ठा हुआ, लेकिन प्रार्थना के लिए हुई इस मुलाकात ने बहुत जल्द हिंसा का रूप ले लिया। ये एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। समुदाय के एक लीडर ने उकसाने वाला भाषण देना शुरू किया। पुलिस समझ गई कि भीड़ अब आपे से बाहर हो सकती है। वो चाहती थी कि भीड़ अलग थलग हो जाए, पर वो टस से मस नहीं हो रही थी और इस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात बद से बदतर हो गए। 400 से भी ज्यादा दुकानें दक्षिण मुंबई के नल बाजार में जलाई गईं और बहुत जल्द दंगे होने की खबरें पूरी मुंबई से आने लगी। शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया। जिस शहर में मैं पला बढ़ा उसका ये हाल देखना, I still love मुंबई। मैं मोहम्मद अली रोड जाता था ईद के दौरान टू हैव भोरी खाना, और फिर बड़े होकर ऐसे इलाकों से रिपोर्ट करना जो जल रही थी और हर तरफ से धुआं उठ रहा था। मजहब के नाम पर जो हो रहा था मुझे उससे नफरत हो रही थी। हम बच्चे थे और ये समझ नहीं पाए कि धर्म या मजहब के लिए एक दूसरे का कत्ल करने की जरूरत क्या थी। करीब 3 हफ्तों बाद दंगे रुक तो गए, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ देर के लिए ही थी। सिर्फ 1 महीने बाद दंगों का दूसरा दौर शुरू हो गया। भिंडी बाजार में एक सड़क थी जिसके एक तरफ हिंदू रहते थे और दूसरी तरफ मुसलमान, और अचानक वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और हमें ये महसूस होने लगा था कि मेरी मासूम खूबसूरत मुंबई को क्या हो गया है। सड़क के एक तरफ के हिंदू और सामने वाले मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। बहुत सारा डैमेज हुआ था, कई लोग मारे गए थे, बहुत सारी प्रेशियस लाइव्स। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मोर देन एनीथिंग एल्स। एक ऐसा झटका जिसमें मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में 900 लोगों की जान गई और शहर 2 टुकड़ों में बट गया। पर मुंबई के लोग इस बात से अनजान थे कि सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी है। एक मामूली झगड़े ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। March 1993, दोपहर के 1:30 बज चुके थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारी अपने काम में बिजी थे। एक जबरदस्त आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहला रिएक्शन तो ये था कि ये शायद सिर्फ एक रूमर है, और फिर किसी ने मुझे कॉल करके कहा कि नहीं, सच में ब्लास्ट हुआ है। तो हम तुरंत एक्सचेंज के लिए निकले। हम दंग रह गए, हैरान हो गए, क्योंकि हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये ब्लास्ट आखिर हुए क्यों है। जब हम वहाँ खड़े थे और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि बिल्डिंग को खाली किया जा रहा था, हमें खबर मिली कि एयर इंडिया बिल्डिंग में भी ब्लास्ट हुआ है। शहर में 2 घंटों में 10 बॉम्बिंग्स हुई और 2 जगहों पर टाइगर मेमन के गुंडों ने अपने हाथों से हैंड ग्रेनेड्स भी फेंके। इब्राहिम टाइगर मेमन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास करीबी साथियों में से एक था।
दाऊद डी कंपनी का लीडर था जो दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। हम सब इस बात से डरे हुए थे कि न जाने अगला ब्लास्ट अब कहां होगा, साथ ही साथ ये भी लगा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, कोई इस शहर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। 1993 में हमें टेररिज्म के बारे में ज्यादा पता नहीं था, हम अंडरवर्ल्ड के बारे में जानते थे, हम दाऊद इब्राहिम जैसों को जानते थे, उनके गन फाइट्स की खबर थी, पर हमें आरडीएक्स का नहीं पता था। मुझे याद है तब के पुलिस कमिश्नर मिस्टर सामरा ने मुझसे कहा, राजदीप इन बॉम्ब ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। मैंने पूछा, सर आरडीएक्स, व्हाट इज दिस आरडीएक्स? आम इंसान अब आरडीएक्स जैसे शब्दों से वाकिफ हो रहा था, जिस ब्लास्ट ने 257 लोगों की जान ली और 700 से ज्यादा को घायल किया, उसने पुलिस को भी परेशान कर दिया था, लेकिन बहुत जल्द मुजरिम का पता चलने वाला था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेमन का भाई कई लोगों को काफी भारी रकम ट्रांसफर करके भाग चुका है। ये तो बिल्कुल बदला लेने जैसा था। ये एक चेतावनी थी कि अगर हमारे खिलाफ कुछ किया गया तो हम तुम्हारे शहर का भी ऐसा ही हाल करेंगे। करीब 8 महीनों बाद पुलिस ने 189 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और एक साल बाद टाइगर मैमन के भाई याकूब को गिरफ्तार किया, और फिर एक फिल्म की कहानी एक सुपरस्टार की जिंदगी की हकीकत बन गई।